नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा सीटेट के लिए एनसीईआरटी आधारित पर्यावरण का के नोट्स पर आधारित नया वीडियो है, अगला वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा जरूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों और उंगलियों और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। देखिए, बच्चों को कंस्ट्रक्टिव काम करना अच्छा लगता है, जैसे हाथ पैर की उंगलियों पर रंग लगाकर वो पेपर में नए नए पिक्चर्स को उकेर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को डेवलप करने में सहायक होता है, यानी कि सृजनात्मक गतिविधियों को, ठीक है, और एक्टिविटीज़ को जो है वो डेवलप करने में सहायक होता है। ये एक तरीके से पेडालॉजी का पार्ट है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान जोधपुर के खेजडली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना व पेड़ काटना निषेध है, यानी कि मना है। देखिए दोस्तों, खेजड़ी का जो पेड़ होता है बड़ा इंपॉर्टेंट पेड़ है राजस्थान के लोगों के लिए, ठीक है। जोधपुर के खेजड़ली गांव के नाम पर ही इसका नाम शायद खेजड़ी हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि खेजड़ी गांव के जो लोग हैं, बिश्नोई कहलाते हैं और ये प्रकृति के बहुत उपासक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे इनके रिचुअल और कस्टम्स जो हैं, ठीक है, मान्यताएं जो वो सीधे सीधे जंतुओं से और आपके पेड़ पौधों से जुड़ी हुई हैं, बहुत आस्था रखते हैं उनके प्रति, इसलिए यहाँ पे शिकार करना और पेड़ काटना जो है ये मना करते हैं, निषेध मानते हैं, ठीक नहीं मानते हैं। दोस्तों देखिए, अगला पॉइंट है इसमें तीसरा कि खेजड़ी राजस्थान का एक पेड़ है जिसे अधिक पानी नहीं चाहिए होता। इसकी छाल से दवा बनती है तथा इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते। लोग इसकी फलियों से सब्जी भी बनाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है, जैसा मैंने बताया कि राजस्थान का पेड़ है, पानी नहीं चाहिए क्योंकि डेजर्ट का यानी कि मरुस्थल का एक पेड़ है, पानी की कमी होती है, इसके पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इसे। इसके साथ साथ में इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इसकी लकड़ी में कीड़े भी नहीं लगते हैं, ठीक है। और इसकी लोग फलियों से सब्जियाँ भी बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल के भी काम में आती है ये। देखिए दोस्तों, खेजड़ी का एक और काम है, खेजड़ी का काम है ये डिजर्टिफिकेशन को यानी कि मरुस्थलीकरण को भी रोकता है, ठीक है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है जब रेत जो होती मरुस्थल की वो हवा के साथ में उड़ करके वो अच्छी भूमि में आ जाती है और जिससे अच्छी भूमि का ऊपरी लेयर ढक जाती है और वो भी बेकार हो जाती है, किसी कृषि योग्य काम में नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। तो खेजड़ी की एक श्रृंखलाबद्ध पंक्ति खड़ी कर दी जाती है जो रेत वाले एरिया होते हैं उनके पास में, तो जब हवा उड़ती है और उसके माध्यम से रेत उड़ के आती है तो इन पेड़ों से टकराती है और टकराने के बाद में वो रेत जो है वहीं पर गिर जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती, ठीक है, जिससे कि जो अच्छी भूमि होती है वो बची रह जाती है, यानी कि मरुस्थलीकरण को ये रोकने में भी सहायक होते हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, अतः यह मधुमक्खी पालन का उचित समय है। जो अक्टूबर से दिसंबर तक का समय है ये मेटिंग और एग ले का टाइम होता है, ठीक है, एग लेइंग का टाइम होता है मधुमक्खियों का, और इस टाइम में इनके नंबर्स ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है। इस कारण से शहद इकट्ठा करना जो है वो अच्छा माना जा सकता है एक तरीके से, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि और लेबर ज़्यादा और मधुमक्खियों के नंबर ज़्यादा होने से ज़्यादा शहद इकट्ठा होने की संभावना बढ़ती है, इस कारण से ये मधुमक्खी पालन का उचित समय माना जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, इनमें रानी अंडे देती है, सिपाही बिल व अंडों का ध्यान रखते हैं, मजदूर भोजन की खोज करते हैं। देखिए, चींटी जो होती है वो एक सोशल एनिमल होती है और बहुत सारे और भी सोशल एनिमल होते हैं। इसमें लेबर का या काम का डिवीज़न यानी कि वर्क का डिवीज़न होता है, श्रम विभाजन होता है। जैसे रानी का काम सिर्फ अंडे देना है और इसके साथ साथ में सिपाही जो होते हैं वो बिल और अंडों की रक्षा करते हैं, रानी की रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ में मजदूर जो चींटियाँ होती हैं वो भोजन को खोजने और उनको एकत्र करके बाकी का पेट भरने का काम करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, चींटी की भांति दीमक, मधुमक्खी, ततैया भी समूह में कार्य करते हैं, अर्थात सामाजिक प्राणी हैं। ये भी सोशल एनिमल के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, दीमक, मधुमक्खी, ततैया, ये सब भी सोशल एनिमल हैं, ठीक। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इनके अलावा अगर हम एनिमल्स में बात करेंगे तो एनिमल्स में आपके हाथी, ठीक है, कुत्ते, शेरों का ग्रुप, ये सब भी
सोशल एनिमल के एग्जांपल्स हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नर मधुमक्खी ड्रोन कहलाती है, ठीक है। तो जो मेल हनी बी है उसको ड्रोन कहते हैं, और वो नेक्टर यानी कि शहद फूलों का रस इकट्ठा नहीं कर सकती, पोलन इकट्ठा नहीं कर सकती है। उसका काम सिर्फ रानी को फर्टाइल करना होता है, एग को फर्टाइल करना होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको ड्रोन कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, गोवा से केरल तक के मार्ग में 92 सुरंगें और 200 पुल हैं, ठीक है। 92 सुरंगें और 200 पुल पड़ते हैं गोवा से केरल तक के मार्ग में। अगला पॉइंट है दोस्तों, मलयालम भाषा में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन और अमुम्मा नानी को कहते हैं। देखिए मलयालम केरल की लैंग्वेज है और इसमें वलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी, बड़ी मौसी, और अमुम्मा नानी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड भी गुजरात में है जबकि कोझीकोड केरल में। देखिए गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड भी गुजरात में, देखिए गांधीधाम जो है वो अहमदाबाद में स्थित है और अहमदाबाद भी गुजरात में है और वलसाड भी गुजरात में। तो अहमदाबाद और वलसाड दोनों गुजरात में हैं जब, और गांधीधाम अहमदाबाद में प्राप्त होता है। अगला इसमें कोझीकोड केरल का स्थान है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं कि उनको मिलाने पर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो जिक्सा जो है वो पिक्चर पजल है, एक्चुअली उसको जिक्सा कहते हैं। पिक्चर पजल में उसके बहुत सारे किसी पिक्चर के टुकड़े हो सकते हैं और उनको बच्चों को दिया जाता है जोड़ने के लिए, तो एक तरीके से दिमाग वाला खेल है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें दोस्तों कि जिक्सा गतिविधि चीज़ों को क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है, क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। तो जिक्सा गतिविधियों से बच्चे किसी ऑर्डर को यानी कि क्रम को सीख सकते हैं, ठीक है। और ये उनके अपने अनुभवों पर निर्भर करता है कि वो किस चीज़ को कैसे क्या समझते हैं, कि किसी जानवर की तस्वीर देने पर वो पूंछ को, पेट को, उसके पैर को, सिर को कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को देखा है या समझा है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं, थैंक यू।